हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 10 में हैं या तो 10 में जाने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं सन 2023 में हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो चलते हैं हम सीधा स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023 के पेपर, वो भी हिंदी के। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना अनुक्रमांक लिखना है अंकों में। सिंपली तरह से आपका रोल नंबर 10 डिजिट का है, सिंपली तरह से यहाँ अपना रोल नंबर लिख देना है। सिंपली तरह से उसके बाद नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपके प्रवेश पत्र में नाम है, सिंपली तरह से उस स्टूडेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद है मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी कि आपका पृष्ठ जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पृष्ठ है इसमें सिंपली तरह से। तो हम बात करने वाले हैं 901, यह आपका कॉपी नंबर है सिंपली तरह से। यह यहाँ देख सकते हैं 801 DF, यह कोड होता है जिससे आपके बुक में लिखाया जाता है। तो सिंपली तरह से हम बात करने वाले हैं, यहाँ लिखा है आपको जो कि 3 घंटे 15 मिनट का समय है, यहाँ 15 मिनट सिर्फ पढ़ने के लिए देता है पेपर। सिंपली तरह से यहाँ देख सकते हैं लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि 15 मिनट आपको पेपर सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। सिंपली तरह से इस तरह से आपका प्रोसेस है जो भी है। यहाँ देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ए में विभाजित किया गया है सिंपली तरह से। यहाँ देखिए हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, सिंपली तरह से उनका जो भी नाम है वहाँ इसको टिक लगाना है सिंपली तरह से। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन थे, सिंपली तरह से जो भी है यहाँ सिंपली तरह से उस पर टिक लगा देना है। नीड का प्रारंभ फिर किस विधा की संरचना है, सिंपली तरह से इसमें भी जो भी ऑप्शन होगा उसको सिंपली तरह से आसानी तरह से टिक लगा देना है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चेखर एवं इंटरव्यू के लेखक कौन थे, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। सिंपली तरह से आपको जिस क्वेश्चन राइट है, जो भी क्वेश्चन राइट है उसको सिंपली तरह से सही का निशान लगा देना है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। धूर विश्वामिनी किस नाटक की रचना है, इसमें सिंपली तरह से इसमें भी वही करना है जो भी होगा, इसमें सिंपली तरह से सही का टिक लगा देना है अपने बुक में जो भी आपका बुक होगा। रीतिकाल की रचना कौन किए थे, मतलब रीतिकाल का रचना कौन सा है सिंपली तरह से, इसमें भी वही टिक लगा देना है। तार संप्रतक का प्रकाशन वर्ष है, इसमें सिंपली तरह से वह भी इसमें भी करना है 7 क्वेश्चन में प्रश्न में, और 8वें में 9वें में 10वें में जो भी है सिंपली तरह से अपने हिसाब से पढ़ के इसमें टिक लगा देना है, जिससे आपके क्वेश्चन राइट होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो गलत भी हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 रोला छंद के प्रत्येक चरण में छात्राएं होती हैं, इसमें जितने भी रोला छंद के प्रत्येक चरण होते हैं, चरण की मात्राएं होते हैं, सिंपली तरह से उसमें टिक लगा देना है जितना भी होगा। अनुग्रह शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें जो भी हो सिंपली तरह से ऐसे ही करते करते 15, 16, 17, 18, 19, 20 आसानी तरह से कर देना है अपने हिसाब से पढ़ के। चलते हैं हम अगले पृष्ठ पे। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 1, 2, 3 3 जो दिए गए हैं इसमें सिंपली तरह से इसके गद्यांश लिखने हैं आपको। जो भी पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए, सिंपली तरह से इसमें यह गद्यांश किस पाठ से और किस लेखक ने लिखा है सिंपली तरह से लिख देना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी यह गद्यांश लिखे गए हैं सिंपली तरह से उसको आपको क्या करना है, उसकी व्याख्या करना है और भी डिटेल में लिखना है। बापू ने क्रांति करने के लिए किस सहारा लिया था, किस क्रांति का सहारा लिया था बापू ने, सिंपली तरह से जो भी इसका आंसर है आपको सिंपली तरह से लिख देना है। और इसमें लिखा क्या गया है, निम्नलिखित गद्यांश में से दिए गए 3 प्रश्नों, इसमें से 3 प्रश्न आपके आसानी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 21 में का क नहीं कर पा रहे हैं, यह आपको नहीं आ रहा है सिंपली तरह से, तो आपको क्या करना है, आपको अथवा के ऑप्शन में ख दिया है, अगर आप क नहीं कर सकते हैं तो ख आसानी तरह से कर सकते हैं। इसमें भी वही लिखा है 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि 1st, 2nd, 3rd सिंपली तरह से हैं। हम चलते हैं 2nd वाले पे। 22
वह प्रश्न पे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें तीन प्रश्न हैं, इसमें भी वही है जो कि इसमें लिखा गया है, क सहे वार व पर वार अंत तक। इसमें सिंपली तरह से वही क्वेश्चन तीन दिया है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को आसानी तरह से हल कर सकते हैं। प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रयुक्त गद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें सबको जो भी अंडरलाइन किया गया है उस आधार से आप कर सकते हैं। अगर खंड क नहीं, अगर क नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं आ रहा है, सिंपली तरह से ख करिए आसानी तरह से। तो इसमें भी वही है, वही है, सिंपली तरह से तीन प्रश्न के उत्तर दीजिए, 1 2 3। सिंपली तरह से आपने क्वेश्चन को सिंपली तरह से इस प्रकार से कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें पे। निम्नलिखित संस्कृत गद्याकरणों में से किसी एक अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या है कि इसमें आपको अथवा करके क दिया है ख, तो इसमें सिंपली तरह से आपको या तो क करना है या तो आपको ख करना है। इस लाइन को, इस वर्ड को आपको हिंदी में, संस्कृत में दिया गया है, इसको आसानी तरह से आपको हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें दो कर सकते हैं आपको। चलते हैं लेके 24वें प्रश्न पे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वो भी ये भी वही टाइप का है जैसे सिंपली तरह से आपको भी, अगर क नहीं आ रहा है तो सिंपली तरह से ख करिए। इसमें सिर्फ एक पद्यांश लिखने हैं तो या तो क करिए या तो ख करिए। आपको लेके चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे, जो कि स्वपठित खंडकाव्य की आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। या क में से या तो पहला करिए या तो दूसरा करिए। सिंपली तरह से उस इस ख में भी वही है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए। सिंपली तरह से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब घ में आपको लेके चलते हैं, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कर दीजिए आपको। फिर घ में वही भी है, या तो पहला या तो दूसरा। अंग में भी या तो पहला या तो दूसरा। सिंपली तरह से दोनों में से किसी एक को करना है आसानी तरह से। च को भी पहले में, पहला या तो करिए या तो दूसरा करिए सिंपली तरह से। छ में, ज में, झ में, इसमें सिंपली तरह से आपको किसी एक को करना है, दो में से एक को करिए सिंपली तरह से। आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें पे, जो लिखा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय लिखिए और उसमें से प्रमुख रचना, जो भी इनकी प्रमुख रचना है, सिंपली तरह से आपको लिखना है आसानी तरह से। आप इसमें से किसी एक को करना है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा या तो तीसरा, किसी एक का कीजिए आसानी तरह से। अब चल आपको लेके चलते हैं ख पे। यहाँ क हो गया, यहाँ ख पे चलते हैं। आपको निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उसमें भी वही दिया था, इसमें भी वही दिया है कि जो आपका तुलसीदास का, इसमें से पहला कीजिए या तो दूसरा या तो तीसरा, किसी एक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह कौन से तुलसीदास जी कौन से रचना किए हैं सिंपली तरह से। अब आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27वें पे। आपकी पाठ्य पुस्तक में से कठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में न आया हो। इस प्रश्न में मतलब इस पूरे पेपर में आपका वह श्लोक लिखिए जो आपका न आया हो इसमें प्रश्न में। अब आपको लेके चलते हैं 28वें पे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यह आपको सिंपली तरह से आपको इसमें संस्कृत में प्रश्न दिया गया है, आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है आसानी तरह से, और वो भी किन्हीं दो के, या तो पहला या तो दूसरा, या तो तीसरा या तो चौथा, या तो पहला या तो, आसानी तरह से आपको कर देना है। आपको लेके चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें जो भी है आपका सिंपली तरह से किसी एक का आपको निबंध लिखना है, या तो जीवन में विज्ञान का महत्व बताइए, इनका सिंपली तरह से निबंध लिखिए, या तो विद्यार्थी और अनुशासन, या तो वनों से लाभ, देश प्रेम, या तो आतंकवाद कारण पर निर्धारित। यहाँ सिंपली तरह से आपको सिंपली तरह से उसको आसानी तरह से जिस भी क्वेश्चन के देख रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन के सामने आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी नंबर निर्धारित है आपको सिंपली तरह से उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।